नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप लोग देख रहे हैं द अजय एजुकेशन चैनल। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए है, वो उन बिगिनर्स के लिए हैं जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश पेपर्स पे शिफ्ट किया है क्योंकि उनको कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे बिगिनर्स ट्यूटोरियल और आगे के ट्यूटोरियल्स हम लोग लाते रहेंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो करेक्ट वे है द हिंदू न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने का, वो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप लोग अच्छे से पेपर को पढ़ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं बिगिनर्स के लिए जिन लोगों ने अभी अभी तैयारी करना चालू किया है। तो द हिंदू पेपर आप लोग जानते हैं बहुत ही रिनोड पेपर है अपने इंडिया का और काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं यूपीएससी में भी। जैसे आप प्रीलिम्स में देख लीजिए तो पूरा पूरा प्रीलिम्स बेस्ड है आपका करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। तो आप लोग जानते हैं करंट अफेयर्स का सबसे अच्छा जो मटेरियल आपको मिल सकता है वो होता है हम लोग का जो पेपर होता है। पेपर पढ़ के आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी करंट अफेयर्स को मजबूत कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ करंट अफेयर्स ही है अपने पेपर दो। और बहुत द हिंदू पेपर इस समय सबसे ऊपर और सबसे टॉप पर रहता है क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं और इसकी जो वोकेबुलरी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है जिससे आपका इंग्लिश के सेंटेंस और वर्ड्स और भी इन्हेंस हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी वोकेबुलरी के साथ द हिंदू न्यूज़पेपर आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग किसी भी जो टॉपिक आप देख रहे हैं, जैसे हम लोग सामने आप लोग देख रहे हैं कि दादा साहेब फाल्के फॉर रजनीकांत, आज का जो ये निकला है एक ये पूरा हेडिंग, तो इसको आज हम लोग पूरा यहाँ तक पढ़ेंगे द इंडियन सिनेमा इन इंडियन सिनेमा तक। तो कैसे कैसे आप लोग छोटा सा वीडियो बनाएंगे, जल्दी से हम लोग बताएंगे कैसे आप लोग पढ़ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप पेपर पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो स्टार्ट करते हैं दादा साहेब फाल्के फॉर रजनीकांत। जिनको नहीं पता दादा साहेब फाल्के क्या होता है, ये एक रिनोड अवार्ड होता है जो उनको मिलता है जिन लोगों ने कुछ आउटस्टैंडिंग वर्क किया है अपनी अपनी फील्ड में। तो ये रजनीकांत को दिया जा रहा है। तो हम लोग पढ़ते हैं इसका नीचे का। द सेंटर, सेंटर मतलब कि जो हम लोग की यूनियन गवर्नमेंट है जिसमें लोकसभा राज्यसभा जो पार्लियामेंट होती है, ऑन थर्सडे अनाउंस्ड द प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर रजनीकांत फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एज एन एक्टर प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर। थर्सडे को सेंटर ने अनाउंस किया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को देने के लिए फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एज एन एक्टर प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर। इन तीन चीज़ों के लिए रजनीकांत को अवार्ड मिल रहा है। इसमें आप लोगों ने देखा इतने पूरे पैरा में कि कोई भी ऐसा कोई वर्ड नहीं था कि जिसमें आपको दिक्कत हो, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है जैसे प्रेस्टिजियस में काफ़ी लोगों को दिक्कत आएगी जो भी हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो रहे हैं, तो प्रेस्टिजियस अगर आपको आ रही है तो सबसे पहले आप एक कॉपी उठाइए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए जो वर्ड आपको नहीं आ रहा है। तो हम लोग जैसे नोट डाउन कर लेंगे, आप लोग भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए जिनको अगर नहीं समझ आता है तो प्रेस्टिजियस नोट डाउन कर लीजिए और उसका मीनिंग आप लोग सर्च कर लीजिए। तो प्रेस्टिजियस का जो मीनिंग होगा वो आप अपना गूगल से सर्च कर सकते हैं। तो जो गूगल पे मीनिंग आ रहा है बदबू वो वाला है ये यार। प्रतिष्ठित। तो हम लोग समझ गए हैं कि जो दादा फाल्के अवार्ड है वो बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है। तो ठीक है, ये हम लोगों को पूरा जो सेंटेंस है वो क्लियर हो गया, पूरा पैराग्राफ क्लियर हो गया। अब हम लोग नीचे बढ़ते हैं। अनाउंसिंग द डिसीजन इन न्यू दिल्ली इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर। ये भी आप एक नोट बना सकते हैं कि हम लोग के जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं प्रकाश जावेदकर हैं। तो ये आप ले सकते हैं। आपको अपने नोट्स तैयार करने पड़ेंगे क्योंकि जिससे आप जब पढ़ने बैठे तो आपको ये सब चीज़ें याद रहें। जावेदकर यहाँ पे ई के होगा, ठीक है। तो ये भी आपने नोट कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं नीचे ऐसे और भी। तो उन्होंने, प्रकाश जावेदकर ने कहा,
दिल्ली में जो डिसीजन लिया है देने का कि फॉर द पास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 वर्षों में रजनीकांत हैज़ बिन रूलिंग द फिल्म इंडस्ट्री, कि रूल कर रहे हैं रजनीकांत फिल्म इंडस्ट्री को, अपनी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसको रूल कर रहे हैं। हिज वर्क इज लाइक द सन, उनका जो काम है वो सूर्य की तरह है। थ्रू हिज टैलेंट एंड हार्डवर्क ही हैज मेड अ स्पेस फॉर हिमसेल्फ इन द हर्ट हार्ट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। उन्होंने अपने काम की वजह से लोगों के दिलों, कई लाख कई मिलियंस लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। द अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड टू रजनीकांत ऑन 3 मई, 3 मई को रजनीकांत को प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये चीज प्रकाश जावड़ेकर ने कही। हैप्पी टू अनाउंस दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2019 टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, रजनीकांत जी। ये इन्होंने अपना ट्विटर पे लिखा होगा। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एज एक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर हैज बीन आइकॉनिक। जिनको आइकॉनिक का मतलब इन्हें समझ आ रहा है तो आइकॉनिक भी आप लोग लिख सकते हैं, और आइकॉनिक का जैसे वर्ड आपको समझ नहीं आया और उसकी आप लोग अपनी हिंदी गूगल पर सर्च कर लीजिए और लिख लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए ऐसे करके। तो आइकॉनिक का भी मतलब प्रतिष्ठित होता है। ये देखिए आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं सब, मतलब कि इतना तो आपको सब कुछ पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं जिनको पता है तो नोट्स बना लीजिए और ऐसे आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, और आपकी जो इंग्लिश वोकैबुलरी है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये लिखा है मिस्टर जावेद का लेटर ट्विटर, ट्विटर कहाँ किया था, ट्विटर किया था तो उन्हें ट्वीट किया। इंस्टीट्यूटेड इन 1969 द अवार्ड इज द हाइएस्ट ऑनर फॉर एन आर्टिस्ट इन इंडियन सिनेमा। इंस्टीट्यूटेड इन 1969 कि जो ये अवार्ड आया था 1969 में आया, द अवार्ड इज द हाइएस्ट ऑनर फॉर एन आर्टिस्ट इन इंडियन सिनेमा, कि जो ये अवार्ड है ये हाइएस्ट अवार्ड होता है इंडियन सिनेमा में किसी भी आर्टिस्ट के लिए। तो देखिए दोस्तों ऐसे हम आप लोग पढ़ सकते हैं, और कोई भी और न्यूज़ है जो भी आप लोग अपना उस हिसाब से देखिए, और अपने इंग्लिश वोकैबुलरी को बहुत आप इंक्रीज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा पेपर है। और अगर आपको पेपर चाहिए तो टेलीग्राम हम लोग का ज्वाइन कर लीजिए, और कम से कम अभी आपको 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा पेपर पढ़ने में अगर ऐसे आप पढ़ेंगे तो, लेकिन फिर धीमे धीमे आप लोग का सेटल हो जाएगा और आप लोग विद इन एन आवर आप लोग अच्छे से पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे गाइस, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।